Sri Athawale, you are not there, but you have only 2 minutes. Chairman sir, आज मेरा पूरा सो गया है मन. नहीं ये आप अपने सीट पर जाइए इसलिए ऑन नहीं होगा. अपने सीट पे आपका सीट कौन सा है? सर आज मेरा खुश हो गया है मन इसलिए मैं करता हूं ओबीसी बिल का समर्थन. अब नजदीक आ गया है वो क्षण, अब नजदीक आ गया है वो क्षण, मजबूत हो जाएगा ओबीसी कमीशन. तो जो 123rd अमेंडमेंट बिल जो आया है, ओबीसी समाज अपने देश में 52% है और इस ओबीसी समाज को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कमीशन को देने के संबंध में मतलब 90 में ये ओबीसी को मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण मिला, लेकिन अभी पूरे 28 साल हो रहे हैं तो 28 साल के बाद ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के संबंध में निर्णय हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने करने की आवश्यकता थी लेकिन उनके ध्यान में आया नहीं और मतलब उन्होंने कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को जिस तरह मतलब ये न्याय नहीं मिला और इसीलिए कांग्रेस ने दलित और ओबीसी को न्याय नहीं दिया. कांग्रेस ने दलित और ओबीसी को न्याय नहीं दिया इसलिए मोदी जी ने सत्ता को छीन लिया. मोदी जी ने ओबीसी के साथ न्याय किया. ठीक है, ओबीसी ने मोदी जी ने ओबीसी के साथ न्याय किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारे देश को न्याय दिया, मतलब सारे भारत को एकजुट करने की कोशिश बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की है. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने के संबंध में सभी के सहयोग से निर्णय ले लिया था. कालेलकर आयोग के माध्यम से ओबीसी समाज को मतलब सामाजिक और आर्थिक बैकवर्डनेस के मुद्दे पर मतलब उनको आरक्षण मिलने की आवश्यकता थी और वो आरक्षण मतलब 90 में लागू हो गया. पीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो ओबीसी को मतलब 27% आरक्षण मिला है. वैसा ओबीसी को सर 52% आरक्षण मिलने की आवश्यकता थी. जिस तरह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से 15% और 7.5% रिजर्वेशन में मिला था, लेकिन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन होने के कारण 27 तक रुकना पड़ा है. तो मतलब आज पूरे देश भर में आरक्षण के संबंध में विवाद पैदा हो रहा है. मतलब ये बिल का तो मैं समझ, 2 मिनट हो गया. नहीं अभी 3 मिनट हुआ. हाँ नहीं ठीक है ना, मतलब आज पूरे देश भर में हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, गुजरात में पटेल पाटीदार मांग रहे हैं, राजपूत मांग रहे हैं, जाट मांग रहे हैं, ब्राह्मीण मांग रहे हैं, लिंगायत मांग रहे हैं, जैन मांग रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये ओबीसी बिल तो है, इसका तो समर्थन हम करते हैं, लेकिन एक बार सर ये विचार करने की आवश्यकता है कि बहुत आंदोलन तेज होता जा रहा है और सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है उनको रिजर्वेशन देने का कानून पास होना चाहिए और 50% का आरक्षण 75% में करके सभी लोगों को न्याय देने के संबंध में कानून बनने की आवश्यकता है. कांग्रेस पार्टी हो या सभी अपोजिशन हो या सत्ताधारी पार्टी हमारी हो, हम सब लोगों ने इस पर विचार करने की आवश्यकता है और आरक्षण 50% का 75% में करके सभी लोगों को न्याय देना चाहिए. ओबीसी को भी न्याय मिला है. ओबीसी में जो मतलब 27% आरक्षण है उसमें भी कैटेगराइजेशन होने की आवश्यकता है. उसमें भी मुस्लिम समाज भी है, मुस्लिम समाज भी अपना ही समाज है, मुस्लिम समाज पर हिंदू ही था. तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को
आरक्षण मिलना चाहिए और इसलिए मैं मेरी पार्टी की तरफ से मैं आज जो ओबीसी 123 जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसका मैं तो समर्थन करता हूँ और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी ने तो सपोर्ट किया है लेकिन यहाँ मतलब आज ये बिल यहाँ पास होना चाहिए। लास्ट टाइम इनकी मेजोरिटी होने के कारण इस बिल को विरोध हुआ था, समाप्त बिल आ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी होगा। अंडर व्हाट रूल? No, show me the rule. I mean, if you are on the point of order, you have to show me the rule. Minister, he says that VP Singh had brought this wonderful commission and he implemented the commission, but it is Sitaram Kesari in 1993 under Narasimha Rao's government who brought this. Okay, it's a point of clarification. Continue. नहीं नहीं ठीक है नहीं वो किया होगा लेकिन ये बिल पास हुआ नहीं ना मतलब आपने कुछ क्लारीफाई होगी लेकिन हमारा कहना ये था कि 28 साल में मतलब ये ओबीसी कमीशन को एससी एसटी के जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला था, वो मोदी जी के राज में करने का मौका मिला है, इसीलिए 52% लोग जो है ये 2019 में हमारे साथ आएगी, दलित और आदिवासी हमारे साथ रहेगी और मतलब 75% लोग हमारे साथ रहेंगे तो आपके साथ कौन रहेंगे, इसीलिए मतलब इतने लोग हमारे साथ है। चलिए आप समाप्त कीजिए, इसीलिए बोलने जा रहा नहीं है, इसलिए 2019 का चुनाव हम जीतेंगे और आप मतलब आप उधर ही रहो और हम लोग इधर ही रहेंगे। धन्यवाद।